क्या है, ठीक है। तो योग क्या है, सबसे पहले ये समझते हुए हम ये जान लेंगे कि योग चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। योग एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। योग में इतनी शक्ति होती है कि हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें यह है कि योग के 8 अंग हैं जो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उसको हम बोलते हैं अष्टांग योग, जो हम लोग आगे पढ़ते हुए उसको भी देखेंगे। फिलहाल उसके जो 8 अंग हैं वो हम आप लोगों को बतलाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। क्या क्या बोले हम? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 अंगों का जब तक हम पालन नहीं करेंगे, या कोई भी व्यक्ति इन 8 अंगों का अगर पालन नहीं करता है, तो वो योग का अभ्यास या फिर योग से नहीं जुड़ सकता। योग का मतलब होता है जुड़ना। अब ये जो 8 अंग हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे चीज हैं जो हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। हम लोग उसको भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जब हम इतने चीज को जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल में जाते हैं। जब तक हमारा माइंडसेट तैयार नहीं होता है किसी भी चीज को करने के लिए, तब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं जा सकते। तो पहले हम थ्योरिकल समझ रहे हैं, इसको समझने के बाद में फिर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो योग क्या चीज होता है, तब आपके माइंडसेट में वो सही तरीके से जा रहे हैं, ठीक है।